हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। बिहार सेवेंथ फेज टीचर्स वैकेंसीज के लिए जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे जीके और जीएस का, हम इस वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो हमारा चौथा नंबर सेट होगा और बाकी जितने भी सेट्स हैं उन सभी को हम अपने प्ले लिस्ट में ले जा करके रख दिए हैं, जहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं सेवेंथ फेज टीचर्स वैकेंसी जीके। वहाँ से जाकर आप लिख के करके हर एक सेट को देख करके अपने जीके जीएस को मजबूत कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने स्थित है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है 80% होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य तापक्रम जो होती है फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर, आज के इस सेट में 40 क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में आहार यानी कि मुख्य भोजन मुख्यतः से पचता है, वह कौन सा स्थान है जहां पर मानव शरीर का आहार मुख्य रूप से भोजन जो है पचता है? वो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटी आंत। यहां पर आकर के जो पाचन की क्रिया होती है वह दोस्तों संपन्न हो जाती है। आगे बढ़ते चलते हैं, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन, मनुष्य लोहा मुख्य रूप से किससे प्राप्त करता है? पालक से मनुष्य को सबसे अधिक मात्रा में लोहा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? वह कौन सा पदार्थ है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? सही आंसर है कार्बन की मात्रा हमारे शरीर में सबसे अधिक है। आगे बढ़ते चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, यानी कि जब पाचन की क्रिया हमारे शरीर में संपन्न होती है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले कह रहा है कि सर्वप्रथम मुंह में पाचन किसका होता है, किस पोषक तत्व का? छठे का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वह मुख्य रूप से हमारे मुख में होता है। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो जी हां, भोजन का पचना यानी कि पाचन की क्रिया शुरुआत होती है मुख से या मुख द्वार से, या यूं कहें ऑप्शन नंबर ए मुंह इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके शरीर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है? आठवें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फीमर हड्डी जो होती है वह हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी के नाम से जानी जाती है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम्स लिए जाने वाले हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगातार हमारे इस चैनल पर बने रहिए और एक एक करके हम वीडियो को प्रतिदिन आपके लिए उपस्थित करा रहे हैं, बिना वीडियो के स्किप किए लगातार देखते चलिए। मानव शरीर का सबसे बड़ा या आंतरिक अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा यानी कि जो आंतरिक रूप से अंदर जो है वह कौन सा होता है जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है? नौवे का बी नंबर आंसर सही होगा, यकृत, इसको सबसे बड़ी ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दसवें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दसवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? बेहद ही आसान क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो दसवें का सही आंसर हो जाएगा ए, 1350 ग्राम का होता है मानव का मस्तिष्क। ग्यारह नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ग्यारहवां नंबर प्रश्न कहता है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मनुष्य के शरीर का सबसे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? यह प्रश्न आपके सामने है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रमस्तिष्क, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़े भाग का नाम प्रमस्तिष्क है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर में उपस्थित रहने वाली सबसे लंबी कोशिका दोस्तों तंत्रिका तंत्र होती है। आगे बढ़ते चलते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है? बेहद ही आसान प्रश्न लेकिन इंपॉर्टेंट, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर देख रहे थे क्वेश्चन, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो जी हां, फिर से एक बार सही आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि या इसको मास्टर ग्रंथि या इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जानते हैं। 14 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, अगर आपके पास कॉपी है तो इसको नोट कर लीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। आप मानव शरीर में उपोष्टि को कहा जाता है, आप मानव शरीर में उपोष्टि को कहा जाता है, मानव शरीर में उपोष्टि को किसको उपोष्टि कहा जाता है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जांग में। मानव शरीर में उपोष्टि को कहां पाएंगे यानी कि उपोष्टि कहां, उपरोष्टि कहां पाया जाता है? तो मानव शरीर में उपरोष्टि जो होती है वह जांग में पाया जाता है।
हम एक मिनट में 10 बार सांस ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यह नहीं है कि मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है, एक मिनट में कितने बार सांस ले लेते हैं। 16वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 से 18 बार हम लोग सांस ले लेते हैं एक मिनट में। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, प्रश्न आपके सामने है 17 नंबर की, टीबिया नामक हड्डी हमारे बॉडी में कहाँ पाई जाती है, तो 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टांग में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, पित्त उत्पन्न करने वाले मानव शरीर के अंग का नाम क्या है। 18 का सही आंसर है यकृत, यकृत से हमारे शरीर में जो है वह पित्त का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पित्ताशय, गलती से भी आंसर मत कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन कहता है 19 नंबर, अप्थलोमिक जो है अप्थलोमिक संबंधित है, तो अप्थलोमिक किससे संबंधित है, 19 का ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है, यानी कि आँख से, अप्थलोमिक संबंधित है आँख से। अप्थलोमिक का संबंध कहाँ से है, आँख से। गौर से देखते चलिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालीन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तत्कालीन ऊर्जा किसको कहा जाता है, तो 20वें का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, तत्कालीन ऊर्जा के नाम से जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान जो होती है 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, प्रश्न है कि मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितनी होती है, प्रति मिनट मनुष्य के हृदय स्पंदन गति कितनी होती है, सभी को मालूम है 72 होती है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं, 23वें नंबर क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, सर्वदाता रुधिर वर किसको कहते हैं, यानी कि सभी को प्रदान कर दी जाने वाली रुधिर कौन सी होती है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ। ओ जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वदाता ब्लड ग्रुप के नाम से जानी जाती है, 23 का डी आंसर सही था। 24 नंबर क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त क्या होती है, तो ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह के नाम से जानते हैं और ओ को सर्वदाता के नाम से जानते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 25वें नंबर क्वेश्चन को, प्रश्न कहता है एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, ए बी ग्रुप वाले व्यक्ति किसको खून दे सकता है, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति केवल खून ए बी को ही दे सकता है। 25 नंबर का बी नंबर आंसर सही होगा, केवल ए बी ग्रुप वाले को ही खून दे सकता है। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसको दिया जा सकता है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि ओ रक्त वाला किसको किससे लिया जा सकता है, तो ओ रक्त वाला को कोई भी ले सकता है, लेकिन ओ रक्त किसको दिया जा सकता है ये प्रश्न कहा जा रहा है। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रक्त समूह को, सभी रक्त समूह को दिया जा सकता है, याद रखिएगा ये सभी को दिया जा सकता है लेकिन सभी को ये ले नहीं सकता, याद रखेंगे किस आदमी को रक्त किसे दिया जा सकता है, तो सर्वदाता कहा जा रहा है, यानी कि सभी को दे दिया जाएगा, ओ रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति किसी को भी ब्लड दे सकता है। आगे प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है, हमारे शरीर में रक्त का जो नियंत्रण होता है, जो रक्तचाप होती है, ब्लड प्रेशर होती है, वह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाती है, तो सही आंसर है एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा हमारे शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। 27 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 28वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है, इंसुलिन की यदि कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में कौन सी रोग हो जाती है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होने वाले हमारे शरीर में जो रोग है वो ऑप्शन नंबर बी डायबिटीज होता है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण हमारे शरीर में होने वाले रोग का नाम क्या है, डायबिटीज हो जाती है, जिसको हम लोग मधुमेह रोग कहते हैं, जिसको हम लोग चीनिया रोग के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा ये 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है। दोस्तों लगातार क्वेश्चंस देखते चलिएगा, जो भी कैंडिडेट हमारे वीडियोस को देख रहे हैं लगातार, उम्मीद करेंगे, हम दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये क्वेश्चंस आप आसानी पूर्वक जाकर के अपने आपके एग्जाम्स में क्रैक कर पाएं, आप आसानी पूर्वक और बीपीएससी वाला टीचर कहलाइए। बिहार में 7th पेज की बहाली के बाद आप एक बीपीएससी वाला टीचर हो जाइए और एक पेंशनधारी टीचर हो जाइए, बिहार कर्मचारी हो जाइए। मानव शरीर में क्रोमोजोम की गुण संख्या कितनी होती है, 46 होती है, यानी कुल मिलाकर 23 जोड़े इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आंसर सही था। आगे बढ़ते चलते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 30वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है, 6 होती है और यह अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, 31 नंबर प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, 31 का सही आंसर है एस्टेपिस, याद रखेंगे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है एस्टेपिस, एस्टेपिस जो होती है, एस्टेपिस भी कहीं कहीं लिखा गया
एरिया रहता है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है भाई, वो है ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, देख लीजिए इस बार क्या किया गया है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, एक जगह फारेनहाइट अगर होता तो 98.6 फारेनहाइट कर देते, लेकिन सभी मान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। तो 32 का सही आंसर होगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सी, और यदि फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन किससे स्रावित होती है ये प्रश्न है। 33 का सही आंसर हो जाएगा, 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से। प्रश्न को ध्यान से देखिए, इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज यानी अग्नाशय में जो होती इंसुलिन का श्रवण होता है। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, लाल जो रक्त कण है उसका निर्माण हमारे शरीर में कहां पर होता है, तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होती है प्यारे दोस्तों वह 34 का ऑप्शन नंबर ए अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान से देखिएगा, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, एक युवा व्यक्ति में, एक एडल्ट आदमी में, मनुष्य में जो रक्त की औसत मात्रा होती है लगभग कितना लीटर होता है। 35 नंबर प्रश्न आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 5 से 6 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, 1 लीटर की मात्रा कम होती है महिलाओं में, 1 लीटर ज़्यादा मात्रा होती है पुरुष में। आगे है, लाल रक्त का आकार होता है, लाल रक्त कण जो होता है वह देखने में कैसा होता है, तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रक्त कण का जो होती है वह गोलाकार चपटी नजर आती है। याद रखेंगे हमारे शरीर में आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल जो होती है, वह देखने में चपटी गोलाकार नजर आती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, जी हां सिस्टोलिक और डायलोस्टिक प्रेशर बोलते हैं इसको, 120/80 होता है। कभी पूछ देगा सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है हमारे शरीर में, तो ऊपर वाला मान सिस्टोलिक कहलाता है 120, और नीचे वाला मान जो है डायस्टोलिक कहलाता है। तो इस प्रकार मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होती है बेहतर चाप 120/80 मानी जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 37वां का। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न है कि रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाली क्वेश्चन, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फाइब्रोनोजेन। याद रखेंगे रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन काम आ जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा फाइब्रोनोजेन जो होता है रक्त को जमाने में काम आने वाली एक प्रोटीन है। 39 नंबर प्रश्न आप लोग देख लेते हैं, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि हृदय से लेकर के ऑक्सीजन को हमारे कोशिकाओं तक पहुंचाना, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर हमारे शरीर से बाहर निकालने की काम जो होती है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कौन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। आगे बढ़ते चलते दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न आपके सामने है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन क्या चीज उपस्थित होती है, तो हीमोग्लोबिन जो है उसमें आयरन उपस्थित होती है। याद रखेंगे हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, और हीमोग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सभी प्रश्न जो 40 हैं वो आप एक बार देखे होंगे, एक बार अगर और देख लीजिएगा तो सभी क्वेश्चंस जो होगा वो दिमाग में सेट होगा। आपका कोई भी सेट अगर छूट गया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर देखिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो 3-4 वीडियो 5 वीडियो ऑलरेडी है, ये 4th-5th वीडियो नंबर सेट नंबर तो 4 होगा और ऐसे वीडियो नंबर शायद 6 या 7 होगा, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। शुक्रिया, फिर से कह रहे हैं चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके फायदे की बात की जा रही है।